हाँ जी गुड इवनिंग तो मैं कैपिटल बस्टिंग ए एफ एम का तो सॉरी सा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोशिएंटर है जिनका मई दो हजार चौबीस अटैम्प्ट या उसके बाद हो मतलब न्यू स्कीम के हिसाब से मैं आपको पूरा चैप्टर्स दे रहा हूँ और पहला चैप्टर जो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल चैप्टर कहा जाता है उसका नाम है कैपिटल बिस्टिंग तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग पर कैपिटल बजटिंग में आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज होना जरूरी है तो ये पहला वीडियो जो चल रहा है हालांकि ये सीए फाइनल का है पर ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता पहला जो लेक्चर है कैपिटल बिजटिंग अगली क्लास से स्टार्ट होगा पहला जो लेक्चर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको देखना ही पड़ेगा तभी कैपिटल बजटिंग अच्छे से समझ में आएगा सर हमको आता है आता है तो भी देख लो भाइयों दिक्कत क्या है ठीक है जी ओके okay, सर तो पहले समझ रहा है इस लेक्चर में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा कैपिटलिस्ट थैंक यू हाँ जी फर्स्ट लिख रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू ऑफ सबसे पहले डिस्कशन करेंगे करेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो ये चीज़ पढ़ाना है मुझे फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो और दूसरा डिस्कस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस टाइम वैल्यू ऑफ मनी सर होता क्या है ये बताओ ये बचपन से पढ़ रहे हैं मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं बताना है कि सर आज जो रुपया की वैल्यू है फ्यूचर में जो रुपया की वैल्यू है उसकी आज की वैल्यू क्या होगी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए अभी बस इतना आपको सुनना है कि मेरा काम है आपको मीनिंग नहीं समझाना मीनिंग आपको आता है फ्यूचर वैल्यू क्या होता है मीनिंग आता है मुझे इस कैलकुलेटर को यूज करवाना और यकीन मानो इस कैलकुलेटर को यूज करोगे तभी बात होगी okay. तो सबसे पहले पहला पॉइंट बस दो ही चीज करवाना है मुझे और कुछ नहीं इसी में टाइम लगेगा एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो और एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो और क्या आपको फॉर्मूला याद है अगर याद है तो प्लीज भूल जाइए पूरे एस एफ एम में मैं फॉर्मूला नहीं पढ़ाने वाला हूँ आपको फॉर्मूले में बड़ी दिक्कत होती है यार फॉर्मूला 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 हम लॉजिक से करेंगे हर हर काम लॉजिक से तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट लिखोगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश हाँ जी फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हो फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फर्स्ट वैल्यू एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ और एग्जाम्पल से ही बात करूं मैं सीधा फॉर्मूला लिखकर आपके सामने आराम से जवाब देना सोच समझ कर ठीक है लिखोगे एग्जाम्पल एग्जाम्पल से बात करो मेरे साथ साथ लिखोगे ये एग्जाम्पल आपको काम आएगा सीधा लिखोगे एग्जाम्पल नंबर वन राम पांच टू इन्वेस्ट बन लगेगा ही नहीं कि एस एफ एम पढ़ रहे बिल्कुल आसान शब्दों में पढ़ा भाई राम के पास बहुत पैसा है एक लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता कितने परसेंट पे सर रेट, पर है एक लाख रुपए को बैंक में जमा करना चाहता है और किस रेट से जमा करना चाहता है दस परसेंट पर, पर और मुझे बताइए कैलकुलेट अमाउंट टू बी क्यूट विथ इंटरेस्ट इंटरेस्ट मिलाकर कितना मिलेगा If अगर एक वन साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता बैंक में जमा किया जाता है एक लाख रुपए दस प्रतिशत के हिसाब से एक साल के लिए तो राम को एक साल बाद विथ इंटरेस्ट कितना रुपए मिलेगा मान लो एक साल के लिए जमा नहीं कर रहा है मान लो वो दो साल के लिए जमा कर तो बता सकते हो इंटरेस्ट कितना पैसा मिले सर मान लो दो साल के लिए जमा नहीं कर रहा है मान लो वो तीन साल के लिए जमा कर रहा है टाइम पास लगेगा लेकिन बिना सुनो क्यों जरूरी है ये सब इसकी एक वजह ये भी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया तो यार कैलकुलेटर का यूज हमको करना पड़ेगा और ये सारी चीजें तो काम आनी तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ राम एक लाख रुपए जमा कर रहा दस परसेंट के हिसाब से अगर एक साल के लिए करता है या दो साल के लिए करता है या तीन साल के लिए करता है या चार साल, साल के लिए या फिर लास्ट दस साल के लिए जमा करता है तो क्वेश्चन ये है कि राम को विथ इंटरेस्ट कितना पैसा आराम से करेंगे कॉन्सेप्ट है लॉजिक है लॉजिक के साथ और मैंने भी कहा ना कि मैं लगने नहीं दूंगा कि आप सीए फाइनल में पढ़े हंड्रेड परसेंट ये मेरी गारंटी बिल्कुल आम आदमी भी यहां बैठ जाए ना जिसने सीए इंटर भी नहीं किया उसको भी समझ में आ जाए बस टारगेट मेरा यही हाँ जी करें यस तो चलो स्टार्ट करें एक साल के लिए अगर एक लाख रुपए दस परसेंट के हिसाब से जमा करें तो कितना पैसा मिलेगा इट मीन्स एक लाख रुपए कब जमा कर किया जा रहा आज और मुझे कब का पैसा चाहिए एक साल बाद का मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए प्रेजेंट वैल्यू की फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एक साल बाद का वैल्यू ठीक है ठीक है सर अब मैं बनाने बनाने जा रहा हूं अगर एक साल के लिए जमा किया जाए तो तो लिख रहा हूं फाव वानिया एक साल के लिए जमा किया जाए तो कैसे निकालते हो हाँ जी एक लाख रुपए दस परसेंट के एक साल के लिए जमा किया जाए तो कितना पैसा मिले कुछ बच्चे बोलते हैं सर बड़ा सिंपल है एक लाख दस दस परसेंट यही तो होता है ना यार क्या? क्या? है। इट एग्जाम में में ऐसा लिखोगे क्या? लाख प्लस कैलकुलेटर चलाओगे तो काट रहा है आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यार आ, कैसे कट गया मेरे पास अभी आरटीआई से बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन पेपर आए उन्होंने आंसर शीट पहुंचाया है मैं आपको दिखाऊंगा पक्का आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि यार कि सर ऐसे भी नंबर कट सकता है इस पर नंबर करेगा कटेगा एक लाख प्लस दस परसेंट ऐसा लिखने से क्या एक लाख दस हजार आ जाता है कैलकुलेटर में आ जाता है कैलकुलेटर नहीं चलेगा इट मीन मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं कि अगर आप ये लिख रहे हो तो ये टोटल गलत है ये नहीं चलेगा एक लाख प्लस दस परसेंट नहीं चलेगा हाँ वन लैख निशिता सही है तो बच्चों का जो क्वेश्चन आना रहा का जवाब आया सर वन लैख इंटू वन पॉइंट वन जीरो यूट्यूब में मेरा वीडियो डाला है आधे से ज्यादा पब्लिक को यह दिक्कत है कि सर रेट है दस परसेंट तो वन पॉइंट दे दो तो, एक लाख है एक लाख अगर उनका यह कहना सर रेट तो दस परसेंट है तो फिर दस परसेंट तो आप पॉइंट वन लिखो वन पॉइंट वन जीरो कहां से आया तो एक्चुअल में एक लाख प्लस एक लाख दस परसेंट को क्या मैं जीरो पॉइंट वन जीरो लिख सकता हूं हाँ बोलो हाँ अब देखो जुगाड़ एक लाख इंटू वन ठीक है सर दस एक लाख इंटू जीरो पॉइंट वन जीरो क्या एक ही बात है यस सर ये तो आप टाइम पास करो मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं भाई जरूरत पड़ेगी आपको आप इतने आसानी से मत लेना चीजों सर वन क्यों लिखा भाई वन ही तो होता है ना भी लिखो तो चलेगा ना ना भी लिखता या लिखो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं अब ये दोनों तो कॉमन है तो सर ऐसा कर लेते ना एक लाख और सीधा वन और ये तो वन पॉइंट वन जीरो सर प्रिंसिपल ये हो गया विथ इंटरेस्ट यस प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट तो ये जो आंसर आएगा ये कितना आएगा सर ये आ जाएगा एक लाख दस हजार एक लाख दस सिंपल सी बात है ये किसका का फॉर्मूला एक्चुअल में और क्या निकाला जा रहा है ये प्रेजेंट वैल्यू निकाला जा रहा है कि फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू तो मैं सिंपल सी बात बोलूं इतना ना भी लिखवाता तो भी चलता मैं आपसे बोल रहा हूं कि फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है और फ्यूचर वैल्यू निकालने का यहां मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू लिखोगे साहब पहली क्लास से आपको समझना जरूरी प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस कुछ बच्चे आर भी लिखते हैं कुछ बच्चे आई भी लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ आई भी लिखते हैं इंटरेस्ट रेट हम आर लिख रहे हैं हम का यूज ठीक है उस हिसाब से एक साल बाद का वैल्यू निकालूंगा विथ इंटरेस्ट तो एक लाख मल्टीप्लाई किससे करूंगा वन पॉइंट वन जीरो पावर तो एक ही है तो आंसर कितना जाएगा अगर मैं एक साल के लिए जमा करूं तो आंसर आ जाएगा एक लाख चलो जल्दी से बात करो अगर दो साल के लिए जमा करें तो आंसर चाहिए एक लाख रुपए दस प्रतिशत के हिसाब से मैं दो साल के लिए जमा करूं तो बताओ दो साल बाद विथ इंटरेस्ट मुझे कितना पैसा मिलेगा मुझे आपका साथ चाहिए जल्दी जल्दी बोलो एक लाख रुपए अगर मैं दस परसेंट के हिसाब से दो साल के लिए जमा करूं तो एक लाख रुपए जमा करना किया जा रहा है एक साल है दो साल है? एक लाख इक्कीस हजार वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड सभी का आंसर है आपको कैसे पता लगा कि मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ एनवली अच्छा एक बात सुनो एक बात सुनो अगर आपका आंसर आ रहा है प्रशांत एक लाख इक्कीस हजार है शुभांशु का भी एक लाख इक्कीस हजार है शुभेंदु का भी एक लाख इक्कीस हजार है भाई साहब आप कैसे एज्यूम कर लिया कि कंपाउंडिंग हो रहा है करके आप नहीं समझ रहे हो मैं कह रहा हूं मैंने बैंक में पैसा जमा किया ठीक है इस साल इंटरेस्ट कितना मिला इस साल सर इस साल एक लाख का दस परसेंट दस हजार रुपया इंटरेस्ट मिला अगर वो दस हजार रुपए मैं बैंक से निकाल लेता हूं तो अगली बार जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एक लाख दस तो हजार भी आ सकता था आपने कैसे एज्यूम कर लिया मुझसे पूछे भी ना कि आंसर सर हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं। क्यों कंपाउंडिंग कर रहे हो तभी का आंसर एक लाख इक्कीस हजार आश्चर्य की बात कि बिना कुछ कहे आप समझ कैसे गए कि मैं कंपाउंडिंग की बात कर फिर से सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर बीच में इंटरेस्ट विड्रॉल के विषय में कुछ ना लिखा जाए तो हम ये मान के चलेंगे कि एक बार पैसा जमा कर दिया बीच में हम इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं करेंगे तो हम सीधा दो साल बाद ही पैसे निकाल ठीक इट मीनस एक लाख पहले साल हो गया दस हजार तो टोटल कितना हो गया एक लाख दस हजार और अगले साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस पे मिलेगा एक लाख दस हजार पे दस परसेंट मतलब कितना मिलेगा ग्यारह हजार तो मिलाकर कितना आ गया आपका लैक ट्वेंटी मैं कभी भी आपके साथ धोखा कर सकता था धोखा मैं कभी भी करूंगा करूंगा अभी आ जाने दो टेस्ट पेपर हो गए तब मैं देखता हूँ कि कितना दिमाग चला अभी तो वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड बोल दिया बहुत अच्छी बात है क्या एजेंशन ले रहे हैं हम लोग हम एजेंशन ले रहे हैं कि ये जो इंटरेस्ट मिलेगा ये कंपाउंडिंग होगा ठीक है ये जो बीच में है वो एनुअल कंपाउंडिंग हुआ हालांकि फॉर्मूला लिख लिया था आपने तो आपकी तो लॉटरी लग गई थी और फॉर्मूले के हिसाब से ही मैं चलूँ यस सर फॉर्मूले के हिसाब से फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितना है एक लाख वन पॉइंट वन जीरो पावर टू आपको पता है इस बार का जो पेपर आया था एस का पता तो होगा ही ऐसा तो है नहीं ये छोटी छोटी चीजें पूछा यार यही छोटी छोटी बारीकियों से नहीं देखोगे तो गलती सर तो हमारा सही है ना वन लाख ट्वेंटी वन थाउजेंड हाँ जी सही है आप लोगों का सही है तो बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे इसको सॉल्व एक लाख इक्कीस है इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर सबसे पहले वन पॉइंट वन जीरो 1.10 फिर क्या करते हैं इनटू इक्वल टू तो दो बार हो गया मैं फिर से बता रहा हूँ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं मैं मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ मैंने कैसे कैलकुलेटर में कैसे किया 1.10 इनटू इक्वल टू इनटू इक्वल टू किया तो वैसे कितने बार हो गया दो बार और इनटू क्या कर दिया मैंने 1 लाख ठीक क्या चल रहा है अजम्पशन ये कर... जो भी पॉइंट में बोलते जा रहा हूं जहां आपको ऐसा लगता है कि लिखना चाहिए वहां लिख लेना मैं बहुत सारी चीजें लिखवा नहीं सकता ठीक, क्योंकि ये बेसिक चीजें ठीक है सर बात समझ में आती है कंपाउंडेड एनुअली कर चलो फटाफट पड़ से बोलना अगर पैसा जमा किया जा रहा कितने साल के लिए फ Years. अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अब आप समझ गए हो कि क्या करना तो बताओ फ्यूचर वैल्यू क्या आए एक लाख वन पॉइंट वन तो पावर क्या हो जाएगा ठीक है ईशा और पीबीए कोई प्रशांत है तनिष्क है आगे मिलो मैं आपसे बदला लूंगा अभी तो फटाफट से जवाब आ रहा है वन लैख थर्टी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड मानना पड़ेगा बिल्कुल आगे मिलोगे ना बेटे आज भी आप ही आज की क्लास याद रखो कल की क्लास याद रखो मजा आएगा बिल्कुल देखो मैं कैसे फंसाता हूँ तो यहां हो गया फाइनल क्या गया वन One... कैसे किया किया कैसे भाई किया कैसे सर किया ऐसे कैलकुलेटर की बात करो कैलकुलेटर कैसे चलाए सर कैलकुलेटर ऐसे चलाया वन पॉइंट वन जीरो ठीक इंटू इक्वल टू किया तो कितने बार हो गया दो बार फिर इक्वल टू किया तो कितने बार हो गया तीन बार ऐसे ही करते थे ना यार याद करो हां सर इंटू इक्वल टू किया तो दो बार वन पॉइंट वन जीरो इंटू इक्वल टू किया तो दो बार फिर इक्वल टू किया तो तीन बार और फिर इंटू क्या कर देंगे एक लाख आंसर यही आ जाएगा और आंसर क्या आएगा हमारा क्या आया था रुपीज वन लैख थर्टी थ्री थाउजेंड बिल्कुल सही है सभी बच्चों का सही है ठीक है मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके जवाब इतने जल्दी जल्दी आएंगे कल से मैं प्लान बना के आऊंगा मेरा टारगेट बस एक ही रहेगा कि आपसे मैं गलती करवाऊ टारगेट बस यही बना के आऊंगा आपसे गलती करवाऊ ठीक है सर तीन साल का हो गया चलो जी सर चार चार साल पूछा कि नहीं पूछा मैं हाँ चार साल का भी पूछा होगा क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट समझना है ना अगर पैसा जो जमा किया जा रहा है हाँ बच्चों ने आंसर भी निकाल के रख ही लिया होगा मुझे आपसे उम्मीद है आंसर निकाल लिया होगा चार साल के लिए जल्दी बोलो फ्यूचर वैल्यू एक लाख वन पॉइंट वन जीरो पावर क्या हो जाएगा फो वन फोर सिक्स फोर वन जीरो प्रशांत है पांशु है ईशा है बीबी -बी है मुझे नाम नहीं दिख रहा एक्चुअली विनय है वन फोर सिक्स वन जीरो ठीक है एग्री हूँ इसको कैलकुलेटर में कैसे शॉल किया काश आप ये भी बता दो मुझे जब इतना बता दिया करेक्ट आंसर है तनिष्क कैलकुलेटर में कैसे शॉल किया एक लाख इज इंटूर इक्वल टू दो बार अच्छा ईशा का कहना यह है कि सर एक लाख इंटू इक्वल टू फिर इक्वल टू इक्वल इंटू इक्वल टू किया तो दो बार फिर इक्वल टू किया तो तीन बार और एक बार इक्वल टू किया तो चार बार अच्छा एक लाख इंटू इक्वल तो वन पॉइंट वन जीरो इंटू इक्वल टू तो दो बार तीन बार चार बार इंटू एक तो ये आ गया वन फोर सिक्स फोर वन एक तरीका ये भी है दूसरा तरीका और है भाई सुन लो अब ये भी काम आएगा जो मैं करवाने वाला हूं दूसरा मेरे पास भी एक तरीका है हाँ जी आंसर का और सुबेंदु का सभी का सही है सभी का आंसर एक जैसे ही आ रहा है कि हम करेंगे ऐसे एक लाख इंटू इक्वल टू किया तो दो बार पर एक बार है मैं पावर का यूज कर रहा हूं सुनो कैसे पावर का यूज 1.10 इंटू इक्वल टू किया तो कितने बार हो गया दो बार और फिर इंटू इक्वल टू किया तो डबल हो गया इंटू इक्वल टू किया तो दो और फिर इक्वल तो अच्छा, टू क्या एक ही आएगा। देख लेते सर, to, हाँ, आंसर तो ऑटोमेटिक तो सुनो, सुनो, नहीं है कि होगा नहीं आज नहीं तो कल इसका यूज होने वाला है क्योंकि यार जब बीस बीस साल आएगा ना तीस तीस साल के लिए इन्वेस्टमेंट आएगा फाइनेंस तीस साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा ना तो ये शॉर्टकट काम आएगा ठीक है तो कहीं नोट कर लेना काम आएगा कैलकुलेटर का यूज कैसे ठीक है सर बात हो गई एक साल दो साल हम क्या निकालने जा रहे हैं हम निकालने जा रहे हैं फ्यूचर में आगे चले उसके बाद कितने साल के लिए सर उसके बाद सीधा दस साल के लिए टेन ईयर्स कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हो मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा भाई ऐसे ही पढ़ाऊंगा उतने ही टाइम में क्लास खत्म करूंगा लेकिन टारगेट ये है कि मैं एक एक चीज अच्छे से समझा दू आपको एक आंसर आया है टू फाइव नाइन सुबानशु का आंसर है टू फाइव नाइन थ्री सेवन फोर देख दू क्या हाँ सर लिख लीजिए फोर और कोई है एक आंसर आ चुका है प्रशांत का भी टू फाइव नाइन थ्री सेवन फोर आपसे ज्यादा की उम्मीद है तनिष्क कह रहे वन पॉइंट वन इंटू इक्वल टू नौ बार करेंगे सर तो आंसर इतना ही आएगा बिल्कुल ऐसे भी कर मेरे मेरे पास और एक ट्रिक है ना यार तनिष्क और एक ट्रिक क्या होगी सोच के बताओ ये वाला ट्रिक कुछ कोई है जो जुगाड़ कर सकता है ये वाला इसका कुछ हो सकता है कि बस आंसर वही आए जो आपने निकाला टू फाइव नाइन थ्री सेवन अच्छा शिवांगी का है थ्री वन थ्री एट फोर टू देखो कहीं गड़बड़ है ज्यादातर आंसर है मेरे पास टू फाइव नाइन थ्री सेवन देख लेते हैं चर वैल्यू वन लैख वन पॉइंट वन जीरो पावर क्या हो जाएगा एक बिना वगैरह सबका कहना है सर आप सीधा-सीधा करो एक सिंपल टेक्निक है 1.10 इक्वल टू कितने बार हो चुका है दो बार हो गया ऐसे ऐसे तीन बार चार बार पांच बार छह बार सात बार आठ बार नौ बार इस तरह से करो और दस बार आंसर आ जाएगा ऐसा आप लोगों का कहना ऐसा आप लोगों का कहना करके देखो 1.10 इक्वल टू दो बार तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10 इंटू एक लाख फाइनल आंसर यही है जो तो ज्यादातर बच्चों का आया है टू फाइव नाइन थ्री सेवन फोर पर मेरा ये कहना कि मेरे पास और एक ट्रिक है हाँ जी दूसरा क्या, क्या ट्रिक हो सकता मैं आपसे यही कहा था कि देखो यार सुनो मेरी बात समझो अभी ना वन पॉइंट वन जीरो वन पॉइंट वन जीरो इक्वल टू इक्वल टू मैं आपसे बात करता हूं मेरा ये कहना वन पॉइंट वन जीरो अब ध्यान से समझना मैं क्या बोल वन पॉइंट वन जीरो इंटू इक्वल टू किया तो बोलो कितने बार आ गया सर दो बार हो गया ठीक है फिर इक्वल टू किया तो बोलो कितने बार हो गया तीन बार हो गया सर फिर इक्वल टू किया तो कितने बार हो गया चार बार हो गया सर और फिर इक्वल टू किया तो कितने बार हो गया पांच बार हाँ बिल्कुल किशन शाही बोल रहे हो और फिर पांच हो गया तो उसका डबल कर देते ना यार इंटू इक्वल टू हाँ मयंक बिल्कुल सही बिल्कुल सही किशन का भी सही है मयंक भी सही है ग्रेट तो बस मैं ये कह रहा हूँ पावर के साथ थोड़ा खेल के और सर सुनो ना ये इसी ताम झाम करने इसके अपेक्षा ये बहुत प्यारा लग रहा है हमको थोड़ा कैलकुलेटर ऐसे भी कर लो पर मैं ये कह रहा हूं कि जैसी पावर जो आया जहां तक पहुंचे और फिर इंटू इक्वल टू करते तो उससे डबल हो जाता है ठीक है सर अब जब क्वेश्चन आएगा तब देखा जाएगा ठीक है बात खत्म करें यस अभी मैं एनयूटी पे नहीं पहुंचाऊं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनयूटी पे नहीं पहुंचा अभी तो मैं जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं सिर्फ नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू निकाल फ्यूचर तो, वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है सर फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था सर जो भी प्रेजेंट वैल्यू होगी वन प्लस आर टू पावर एन एग्री इस फॉर्मूले से क्या आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला बना सकते हो इन टू इक्वल टू तो फाइव टाइम्स भी करोगे तो भी हो जाएगा मैं आगे निकल चुका हूं। तो अब मेरा क्वेश्चन सुनोगे ध्यान से मेरा क्वेश्चन है फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर टू पावर एन तो मैं ये कह रहा हूं क्या हम कुछ ऐसा करें अधिकतर फॉर्मूले बहुत सारे फॉर्मूले हैं मैं खुद डिराइव नहीं करने वालू मैं आपसे पूछूंगा कैसे डिराइव हुआ समझाऊंगा मैं बाद में वो मेरी ड्यूटी है पर डेरिवेशन तो आपको ही सीखना पड़ेगा भाई ठीक है और आप अगर डेरिवेशन करोगे जिंदगी भर वो फॉर्मूला याद रहेगा कितने भी फॉर्मूले हम डेरिवेशन करें तो मेरा ये कहना है कि फ्यूचर वैल्यू मेरा बस इससे फ्यूचर वैल्यू मतलब पता है हमको मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला में बात करूं तो सर बहुत आसान है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के वन प्लस आर इधर कर देते ना तो फार्मूला सर फ्यूचर वैल्यू डिवाइड डिंगे वन प्लस आर टू द पावर दावर ठीक है तो अब मैं जो करवाने जा रहा हूं अभी हमने क्या फॉर्मूला एक ही पढ़ा और हमने क्या पढ़ा हमने फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला पढ़ा हाँ बिल्कुल सही फ्यूचर वैल्यू बशु सही है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस आर याद रख लेना एक बात अच्छे से पूरा एस एफ एम में प्रेजेंट वैल्यू होने पूरा एसिफ चाहे आप कैपिटल बिस्टिंग करो चाहे आप डेरिवेटिव करो चाहे आप फॉरेक्स करो चाहे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करो बिना प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू काम का नहीं है जब लगेगा तब लगेगा दो चार क्वेश्चन में लग गया तो लग गया प्रेजेंट वैल्यू काम का है भाई एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए प्रेजेंट तैयार हो सर हमको आता है आज देख ही लेते हैं ना कि गैस कितना तैयार हो जाओ देखोगे एग्जाम्पल नंबर टू धीरे धीरे काम करेंगे Uh, मैं आपसे पहले ही बता दूं अधिकतर एग्जाम्पल्स अधिकतर चैप्टर्स में अधिकतर मतलब एडवांस्ड कैपिटल बस्टिंग को छोड़ दिया जाए तो सारे एग्जाम्पल्स बुक में लिखे हुए रहेंगे तो आपको कॉपी में नोट नहीं करना और जितना भी कॉन्सेप्ट है जो मैं लिखवाऊंगा अभी तो इसमें कुछ लिखवाने वाली बात है नहीं ये सब आपको आता है पर अधिकतर जो भी मैं लिखवाऊंगा आ, आपको आ, लिखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में लिखना होगा ठीक है कॉन्सेप्ट बुक में नहीं लिखे रहेंगे आपको लिखना पड़ेगा जब तक कॉन्सेप्ट बुक में नहीं लिखोगे तब तक मजा नहीं आएगा मतलब कॉपी में तो कॉपी एक बार देखोगे ना कॉपी तो लगेगा कि यार ये कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पल्स मैंने बुक में दे दिया है क्योंकि यार टाइम बहुत लगता है एग्जाम्पल्स लिखवाने पर अभी ये बेसिक्स है तो एग्जाम्पल्स लिखना पड़ेगा तो अभी क्या कर रहे थे हम सर अभी जो हम कर रहे थे फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अब क्या करेंगे अब करेंगे और फॉर्मूला सीध सिंपल सा बात है आप लिख चुके अब लिखोगे दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो फिर दोनों को मैं मिक्स करने वाला मेरा टारगेट है आपको कंफ्यूज करना और आपका टारगेट है बचना हमारे और आपके बीच में कॉम्पिटिशन ठीक है सर हो जाए अब लिख रहे हैं सेकेंड टॉप मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस। फॉर्मूला आप बता चुके हो मुझे और आपने बताया सर प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है वैल्यू बाय टू पावर एम एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए और अब होगा कंपटीशन आपके और मेरे बीच में ठीक है मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा आप कंफ्यूज हो जाओ बस और आप अगर जवाब दे दे तो चल हो जाए ना सर हम तैयार हैं बिल्कुल ये फॉर्मूला लिख लो पहले फिर देखते लिख लिया होगा एग्जाम्पल नंबर वन छोटा सा एग्जाम्पल है छोटे छोटे एग्जाम्पल अगर मैं कहूं वैल्यू है रुपीज वन लैख फाइव थाउजेंड और सर रेट कितना है रेट है वन पॉइंट वन टू सर ये फ्यूचर वैल्यू कब का है सेकेंड ईयर एंड का सेकेंड ईयर एंड में मुझे आज मैं बैंक में कुछ पैसा जमा करना चाहता हूँ कितना जमा करना चाहता हूँ वो नहीं मालूम पर फ्यूचर वैल्यू सेकेंड ईयर एंड में मुझे एक लाख पच्चीस हजार रुपए मिल जाएगा तो ट्वेल्व वन वन परसेंट और रेट है बारह परसेंट पर एन एम पर एन एम समझ ही गए आप और मुझे क्या निकालना मुझे निकालना प्रेजेंट वैल्यू मैं टाइम पास नहीं करना चाहता मैं प्रेजेंट वैल्यू चाहता हूँ आपसे और जल्दी से आंसर चाहिए एक लाख आज कितना अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलू आज कितना पैसा जमा करूं कि बारह परसेंट के हिसाब से दो साल बाद मुझे एक लाख पच्चीस हजार मिल जाए एक आंसर आ गया तनिष्क का नाइन नाइन सिक्स फोर नाइन वाओ बहुत सारे बच्चों का पूछूंगा बेटे ऐसे नहीं निकाला कैसे निकाल तो लिया क्या पता चीटिंग कर लिया हो आंसर आ गया रुपीस नाइन नाइन सिक्स फोर नाइन ठीक है विनय प्रशांत शुभेंदु सभी का आंसर है नाइन नाइन के मेरी कोशिश क्या है मेरी बात समझ अभी ना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो गए उनको ऐसा लग रहा होगा यार ऐसे फिर हम पढ़ रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं यार ये तो टाइप सीरियसली आखिरी क्लास तक आपको ऐसा लगेगा बहुत आसान था बस मेरा वही टारगेट है Hmm. आया कैसे तो एक आंसर आया सर प्रेजेंट वैल्यू निकालने का पावर यही है ना हाँ बोलो तो कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करोगे मजा आ जाएगा यार जूम में रहोगे ना जब आपस में बात होगी ना हमारी तो मुझे पढ़ाने का अलग ही मजा आएगा क्योंकि अभी मैं बोलता हूँ चलो कैलकुलेटर में कैसे करोगे तो आपको टाइप लिखना पड़ रहा है और काश मौका मिल जाए आपको मेरे साथ बात करने का तो पढ़ाने का अलग ही मजा आ जाएगा कोशिश कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ जल्दी कितना हो सकता प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी और तब पढ़ाने का जो मजा आएगा ना आपके साथ बात करने में अभी बस ये है कि भाई साहब इसको किया कैसे कैलकुलेटर में पेन वापस नहीं चला सकते कि वापस इसको फिर से लिखेंगे स्टेप नंबर वन में ही करेंगे स्टेप ये नहीं करने वाला हूं मैं इसको लिखूँ कैसे कैसे का पानी पी वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू इक्वल टू इक्वल टू इन टू वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड विनय का आंसर वाकई यार विश्वास नहीं हो रहा ग्रुप में आप खुद भी देख रहे हो बच्चे कि सबकी अलग अलग टेक्निक है, सब अपने अलग अलग तरीके से बता रहे मैं भी अपना तरीका बता दूं क्या ठीक हाँ। है सर आप भी बता दो अपना तरीका मेरा क्या यार सभी लोग ऐसा करते हैं हम इसको ऐसे करेंगे एक लाख पच्चीस हजार कैलकुलेटर में लिखेंगे डिवाइडेड बाय 1.12 और दो बार इक्वल टू एक ही तो बात है सुनो मयंक एम प्लस में क्यों जाएगी एम प्लस में जा सकते हो एम प्लस अच्छा है ये सब सिखाऊंगा मैं वैसे मैं अभी एम प्लस में नहीं जा रहा हूं क्योंकि सीधी सी तो बात है यार जब बात सीधी सी है तो उसको सीधा ही करते एम प्लस में नहीं जाएंगे हम लोग एक डिवाइडेड बाय वन और दो बार इक्वल टू कर देंगे तो आंसर वही आएगा हालांकि आप गलत नहीं हो साक्षी मैं बस यही कह रहा हूं कि M MRC को अभी मैं छेड़ना नहीं चाहता कैलकुलेटर में बाकी अगर आप एम प्लस करने में एक्सपर्ट हो हो तो आप कर सकते हो। अच्छा कैलकुलेटर की बात भी समझ लो किसी भी हालत में किसी भी हालत में आपके कैलकुलेटर में जी टी होना जरूरी है याद रखना सर मान लो नहीं है जी तो कैलकुलेटर आ, दूसरा खरीद लो सर उसके बिना भी तो काम हो सकता हो सकता पर मैं नहीं करवाऊंगा भाई जीटी में होना जरूरी है टाइम लगता है नो no डाउट कि जीटी के बिना भी काम हो जाएगा एम प्लस एमआरसी में लेकिन मुझे नहीं करवाना दूसरी बात सुन लो दूसरी बात ये कैलकुलेटर में प्लस एब्लिक माइनस का जो बटन होगा ना प्लस डैस माइनस वो भी जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है जब मैं पोर्टफोलियो करवाऊंगा उस बटन का मैं यूज करूंगा बहुत ज्यादा आप परेशान हो जाओगे इसलिए मैं आपसे रहा हूँ जी होना जरूरी है प्लस आप लिख माइनस होना जरूरी है और एमयू होना जरूरी एमयू दिख रहा होगा जिन बच्चों के और सर मान लो नहीं है तो वो तो कैलकुलेटर आगे से हम ऐसे ही करेंगे एक लाख पच्चीस हजार डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू दो बार इक्वल टू कर लो बात खत्म अब काम की बात सुनो बेटे काम की बात अब सुनोगे ध्यान से। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं से सुनना। एक लाख पच्चीस हजार हाँ सर अगर कुछ नई भी लिखा तो इंटू वन तो होता है एग्री होना डिवाइड इस में इसको वन पॉइंट वन टू पावर टू से कर सकता हूँ कर सकते हो कोई दिक्कत की बात और फिर मैं इसको वापस लिख रहा हूं एक स्टेप में एक लाख पच्चीस हजार इंटू अब मैं कह रहा हूं वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू दो बार इक्वल टू टू की तो ये आ गया जीरो पॉइंट सेवन सेवन नाइन और फिर अगर मैं एक लाख पच्चीस हजार इंटू पॉइंट सेवन नाइन सेवन टू से मल्टीप्लाई करूं आंसर आ गया ठीक है मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए हाँ, सर बहुत बताना चाहते हो यस आंसर वही आएगा आंसर वही आएगा हाँ विनय आप सही हो आप सही हो आंसर वही आएगा बस मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये समझने की कोशिश करो इसको क्या बोला जाता है सर इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर याद है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर याद करवा रहा हूं हाँ सर ये है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट पे है सर बारह परसेंट पे है सर कितने साल का है सेकेंड ईयर का इसको बोला जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आंसर ये इसमें भी वही आना है इसमें भी वही आना है पर हमको ये भी सीखना पड़ेगा ये तो आता है सर और ये तो आता ही है बड़ी इंपॉर्टेंट बात हल्के में मत लेना क्या ऐसे करोगे और ऐसे करोगे फैक्टर से करोगे और डिवाइड वाले से करोगे तो क्या आंसर अलग अलग आ सकता है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हल्के में मत लेना बार क्योंकि नंबर कट जाएगी मेरा क्वेश्चन क्या एक तो ये डिवाइड वाला तरीका है दूसरा ये फैक्टर वाला तरीका है इससे आंसर आया 99649 इससे आंसर आया 99650 सर एक ही रुपए का तो अंतर है अभी एक रुपए का है लेकिन कैश फ्लो तीन चार साल दस साल का रहेगा तो अंतर तो आ जाएगा इससे अलग आंसर आ रहा है इससे अलग आंसर आ रहा है एग्जाम में क्या करोगे एग्जाम एक्यूरेट कौन सा एक्यूरेट फर्स्ट वाला कि सेकेंड वाला एक्यूरेट आ सकता अलग आंसर बिल्कुल हंड्रेड और एग्जाम में दिक्कत क्या है फाइनल लेवल पे जब मैं कॉपी देख रहा हूं तो यार आपका नंबर ही कार्ड दिया जाता है वो चाहते हैं कि जो सजेस्टेड है जो उनके पास है उससे वो आपकी कॉपी चेक करते हैं जो जो भी उनको और उसमें जो लिखा है पता नहीं कौन चेक करता है वही आपसे कहना चाह रहा हूं कि सुनना ध्यान से मैं क्या बोलूंगा अगर क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन के नीचे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर देगा फर्स्ट वाला करेक्ट है लेकिन पता है दिक्कत क्या मालूम है फर्स्ट वाला हंड्रेड परसेंट मैं मानता हूं ये बिल्कुल एक्यूरेट है यार लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक्यूरेट होने के बाद भी आपका आंसर कट सकता है और आपको जीरो नंबर मिल सकता हंड्रेड परसेंट उसकी वजह मैं बता रहा हूं आई क्या करता है मान लो क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर में ना वाह फैक्टर दिया रहता अब तो वो दिखेगा नहीं आपको वहां से पर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया रहता है अगर क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है तो सर आंख बंद करना है हम चाहे वो एक्यूरेट हो चाहे एक्यूरेट ना हो आपको ये ऐसे ही काम करना पड़ेगा आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ही निकालना इसी से काम करना पड़ेगा हाँ अगर क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर नहीं दिया है नहीं दिया तो ऐसे काम करेंगे फिर तो ये एक्यूरेट है ज्यादा इजी कौन सा पड़ेगा मालूम है आपको ज्यादा इजी तो यही माले हुए लेकिन अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है, अगर प्रेजेंट एक बात बताना तो समझ के अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है तो आपका आंसर और इंस्टीट्यूट का आंसर मैच होना चाहिए एक एक पैसा से मैच होना चाहिए आप भी समझ रहे हो इस बात को और आपका ही नहीं बाकी सारे जितने भी स्टूडेंट्स है सबका आंसर आपस में मैच होना चाहिए इसलिए अगर प्रेजेंट वाली फैक्टर दिया है तो ऐसे ही करना है चाहे कुछ भी क्यों ना लिख लेना कहीं जरूरत पड़ सकती अगर प्रेजेंट वाली फैक्टर नहीं दिया है तो सर कैसे करें फिर आपके पास चॉइस है आप ऐसे भी कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो ठीक है सर इसको लिखा कैसे जाता है वैसे इसको ऐसे लिखा जाता है अगर मैं कहूं इसको एग्जाम में किस तरह से लिखा जाता है ये प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है ऐसे लिखा जाता वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने परसेंट का ले रहे हो सर बारह परसेंट कौन से ईयर का सेकेंड ईयर का ऐसे लिख लिया करो मेरा देखो यार कैलकुलेटर चलाना सब जानते हैं मैं भी टाइम पास ही कर रहा हूं मैं मैं भी जानता हूँ आप जानते हो ये सारी चीजें तो सर आप क्यों पढ़ा रहे इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जब कॉपी लिखे कॉपी में ये सब ये सब सारी चीजें लिखी होनी चाहिए पेपर चेक करने वाले को लगना चाहिए कि यार क्या मजा आ गया अच्छा सर ये मेरे साथ लिख लेना है इंटू वन डिवाइडेड वन पॉइंट वन टू एक दो तीन नहीं तो साल था वन 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 एक दो ही तो चलता है वन कितने डिजिट तक लेना है तीन या चार हमारे सीएमए का जो स्टडी मैट है अधिकतर क्वेश्चन और कभी कभी किसी क्वेश्चन में चार डिजिट तक लिया तो अब यार या तो फैक्टर दिया रहेगा तो ठीक है और नहीं दिया रहेगा तो तीन या चार ले सकते ऐसा कोई फिक्स रूल्स नहीं है पता लगा किसी क्वेश्चन में मैं चार ले रहा हूं उसने तीन लिया है किसी क्वेश्चन मैंने तीन ले लिया तो उसने चार ले लिया आपको फैक्टर दिया रहेगा आप निश्चिंत हो जाइए चार मैं अभी यहां तीन के साथ काम कर हूं सेवन नाइन सेवन एक लाख पच्चीस हजार इंटू पॉइंट सेवन नाइन तो ये आ गया सर ये तो और भी अलग आ गया नाइन नाइन सिक्स फाइव यस जितना राउंडेड ऑफ करोगे आंसर अलग ही आएगा ठीक है पर उसके लिए अब बहस नहीं होगी यहाँ तीन लेना है कि चार लेगा चार लेना क्वेश्चन में दिया रहेगा जो दिया रहेगा वो ले लेंगे चले आगे बहुत हो गया टाइम पास एक घंटे भी हो गए क्लास को चलो जी फाइनल 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 प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना आ गया अब 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 जान लेने वाली बात है अब बेहतरीन चीज करवा रहा हूं देखोगे एग्जांपल नंबर टू अब बहुत है अब आपका नॉलेज आपका कैलकुलेटर ट्रिक काम आने वाला है। मैं देखना चाहता हूं कितना कैलकुलेटर चलाना जानते हो जाए देखते फाइनल वाले बच्चों को मैं कैलकुलेटर चलाना सिखा रहा हूं देखते ना आप देखोगे एग्जांपल नंबर टू अब जो जवाब दे रहे थे ना अब मैं आपसे जवाब की उम्मीद कर रहा सर गए भाई नया नया बोर्ड है ना आज एग्जाम्पल नंबर टू फ्यूचर वैल्यू सुनो फ्यूचर वैल्यू को क्या मैं कैश इन्फ्लो बोल सकता हूँ हाँ सर बोल सकते हो क्या दिक्कत कैश इनफ्लो बोलूँ ना कैश इनफ्लो मिलेगा मुझे एक साल बाद या कैश्लो इनफ्लो मिलेगा मुझे दो साल बाद बोल सकते हो सर कह रहा हूँ कैश इन फ्लो मुझे पैसा मिलने फर्स्ट ईयर पच्चीस हजार सेकेंड ईयर थर्टी टू थाउजेंड थर्ड ईयर में थाउजेंड रेट टेन परसेंट पर है ये फर्स्ट ईयर का फ्यूचर वैल्यू ये सेकंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का रेट है टेन परसेंट पर है मुझे सब मिलाकर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए इट मीन्स मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ठीक है ऐसा नहीं है इसको डिवाइड किससे करेंगे 1.10 पावर भाई, भाई जरूरी, करना जरूरी है आप लोगों का मल्टीप्लाई वाले दोनों से, से चाहिए मुझे दोनों से हालांकि आंसर अलग अलग आएगा हमें आंसर मैच करवाना काम नहीं है सिक्स फोर वन नाइन नाइन पॉइंट एट फाइव को मैं इग्नोर करूंगा राउंडेड ऑफ करके बताओगे एक आंसर आ चुका है सिक्स फोर वन नाइन मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए पेंदू का भी आंसर है सिक्स फोर वन नाइन नाइन सिक्स फोर वन नाइन नाइन ऐसा नहीं लग रहा कि चीटिंग हो रही है वहीं ग्रुप में ही चीटिंग हो रही सिक्स फोर वन नाइन नाइन डिवाइड वाले से किया कि फैक्टर वाले से किया तो शांत है सिक्स फोर वन सेवन सेवन सिक्स मुझे उम्मीद थी कि सबके आंसर अलग अलग आएगा सिक्स फोर टू डबल जीरो पहला डिवाइड वाले से कर रहा है कुछ लोग हाँ कुछ लोग डिवाइड वाले से कर रहे हैं कुछ लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर तो चलो यार अभी तो मैं आपके साथ चेक तो नहीं कर सकता मैं डिवाइड वाला लिख रहा हूं सबसे पहले डिवाइड वाले से फाइनल करते हैं यार Value of cash by 1 power 1. लिख लेना भाई लिख लेना मैं जानता हूँ जवाब दे रहे हो लिख भी ले रहा लिखोगे नहीं ना तो खुद की कॉपी समझ में नहीं आएगी कि मैंने किया क्या है करके पच्चीस हजार डिवाइडेड बाय 30,000 डिवाइडेड बाय पॉइंट वन जीरो पावर टू ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन टू पावर थ्री कैसे सॉल्व किया इसको कैलकुलेटर में सुनो शर्त यह है कि आप पेन नहीं चला सकते आप बस इतना लिख लिया उसके बाद सीधा आंसर ही लिखने वाले हो आप अब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसके बाद मुझे ऐसा नहीं है कि इसको डिवाइड करके लिखा इसको डिवाइड करके अलाउ नहीं है अलाउ नहीं हमारे पास टाइम ही नहीं है हमें सीधा आंसर लिखना है कैलकुलेटर में क्या किया जाए कि सीधा आंसर आ जाए पेन नहीं चला सकते सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है कुछ बच्चों का क्या ना एम प्लस यूज करेंगे सर यही तो दिक्कत है मैसेज में ना एम प्लस एमआरसी को यूज चलो देख ही लेते मैं बता रहा हूँ शायद आप वही कर रहे हो कि कुछ अलग कर रहे हो एक बार समझ में जाए और बताना वो बस यस रॉन्ग है या राइट है बस मुझे बताते जाना मैं लिखते 5000 थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन इक्वल टू एम प्लस थर्टी थाउजेंड पर इक्वल टू प्लस ट्वेंटी थाउजेंड पर इक्वल टू एम प्लस और लास्ट में एमआरसी है ना कुछ गलती राइट या रॉन्ग अच्छा विनय का कहना सर गलत है आंसर भाई मेरा भी वही आना चाहिए फिर जो आपका आया मैं एक बार कैलकुलेटर चलाकर देख लेता हूं यार मेरा आंसर कितना रहा? M M. मेरा आ रहा मेरे हिसाब से सर पच्चीस हजार डिवाइडेड वन वन पॉइंट जीरो इक्वल टू एम प्लस थर्टी टू थाउजेंड दो बार इक्वल टू प्लस ट्वेंटी थाउजेंड तीन बार इक्वल टू ए एम प्लस एम और मेरा आंसर आ रहा है रुपीज सिक्स नाइन नाइन या वन टू हंड्रेड ये आंसर आ रहा मेरा रॉन्ग क्यों बस इतना बता देना भाई आपको पता भी है कैलकुलेटर में वन पॉइंट सेव हो गया है आपको कैलकुलेटर चलाना सीखना है आपको नहीं मालूम कि वन पॉइंट वन जीरो तो ऑटोमेटिक से हो गया आपको बार बार वन पॉइंट वन जीरो कैलकुलेटर में लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए टाइम ही नहीं है हमारे पास मैं कह रहा हूं कि बार बार आप यहां आपके मन में ये आ रहा है थर्टी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय फिर वन पॉइंट वन जीरो क्यों नहीं लिखा हाँ ट्रिक सबके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बेटे ये जो है मैं आपसे कह रहा हूं कि डिपेंड करता है टाइम का बहुत सारे तरीके हैं मैं मना नहीं कर रहा हूं पर यह भी गलत नहीं है और इसमें आपका टाइम बचेगा उसकी वजह क्या है क्योंकि आपको बार बार डिवाइडेड बाय वन पॉइंट वन जीरो नहीं करना पड़ेगा बाकी आप अपना अल्टरनेटिव ट्रिक भी लगा सकते हो उसका कोई दिक्कत नहीं आंसर क्या चौबीस कितना आ रहा था सिक्स लैख फोर्टी टू थाउजेंड कितना था यार आंसर कर लेता हूँ सिक्स फोर हाँ इतना ही था चौंसठ हजार दो सौ ठीक है इसको नोट कर लेना भाई ये काम आएगा काम आएगा आखिर एक चीज याद रखना बार बार डिवाइड नहीं करना पड़ेगा बस और दूसरा वाला तो कुछ है ही नहीं है दूसरा वाला हमको आता है फैक्टर वाला ट्वेंटी थाउजेंड इंटू पॉइंट नाइन जीरो नाइन प्लस थर्टी थाउजेंड पॉइंट एट टू सिक्स प्लस ट्वेंटी थाउजेंड इंटू फैक्टर क्या आएगा पॉइंट सेवन फाइव वन आंसर लेंगे तो जिन लोगों का निकला था रुपीज सिक्स फोर से वन सेवन सेवन का भी सही था जिन्होंने फैक्टर लेके बस सर तो दोनों चीज सीखना जरूरी है यस yes. क्योंकि आपने सीए इंटर में पढ़ा होगा आई कैपिटल कैपिटल था कि नहीं था भूल गया तो में एक था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न उसमें मेथड होता था उसमें हम पहले एक रेट से डिस्काउंटिंग करते थे फिर दूसरे रेट से डिस्काउंटिंग करते थे एम प्लस और एम आर सी पक्का मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सेपरेटली हाँ इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन तो तब करते थे जब पहले ट्रायल करते थे कोई एक दस रेट दस परसेंट ले लिया तो यहाँ बहुत वह, वहां तो छोटी सी चीज थी यहाँ बहुत बड़ा बड़ा काम होने वाला है इसलिए ये डिवाइड वाला काम आएगा और सीखे मैं आपको पक्का पक्का मैं एक्चुअली वहां मुझे नाम शो नहीं हो रहा पर मैं पक्का पक्का आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा एम प्लस और एम आर सी का क्या यूज और कैसे यूज हो रहा है बाकी यहां बस चीजें यह है कि मैं प्लस करते जा रहा हूं तो मैं उसको मेमोरी प्लस में डालते हुए जा रहा हूँ बाकी इसके विषय में मैं आपको अलग से सेपरेटेड ठीक है जी चले आगे हाँ सर बहुत टाइम पास हो गया अब आगे चल रहा तो ये है ये प्लीज मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं सभी बच्चों से बाद में मुझे परेशान मत करना कि सर फिर से बता देना इसको नोट कर लेना ये आपके काम की चीज जो अभी तक की क्लास चली है जितनी उसमें ये क्लास ये चीज काम की है ठीक है कितने एग्जाम्पल हो गए दो आगे लिखोगे एग्जाम्पल नंबर थ्री नोट कर लिया ना? चलू आगे अब फिर से आपका नंबर Example number. cash नंबर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फिर से प्रेजेंट वैल्यू भी मैं पूछूंगा है ना अब टारगेट बना के रखना मैं भी थोड़ा घुमाने की कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा सा बेहतरीन वाला पहले साल आएगा चालीस हजार साल भी चालीस हजार साल भी चालीस बस तीन ही साल सर इसको तो हम कुछ बोलते थे यार सी एंटर में जिसमें हर साल कैश फ्लो एक जैसा होता है कुछ तो बोलते थे सर याद नहीं यार हर साल कैश फ्लो एक जैसा हो हाँ सर याद आया इसको हम बोलते थे एनयूटी हाँ बिल्कुल सही निश्चिता एनयूटी बिल्कुल सही तनिष्क याद है मतलब मैं सोचा कि सी ए इंटर सी ए आई पी सी सी या सी ए इंटर भूल गए होंगे लेकिन बच्चे अभी नहीं भूले पता है सर एन टी आप रेट बताइए ना हम आंसर बताते हैं चलो ठीक है, है रेट भी बता रहा हूँ और रेट ले लेते हैं जिससे हमको डिस्काउंटिंग करना है डिस्काउंटिंग शब्द यूज होता था यार हाँ प्रेजेंट वैल्यू निकाल और रेट मान लेते हैं रेट, रेट 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 लेते हैं बारह परसेंट पर एनम और मुझे निकालना है क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन मार्क पहले साल चालीस हजार मिलेगा दूसरे साल भी चालीस हजार मिलेगा तीसरे साल भी चालीस हजार अच्छा मैं ये जो बोलता हूँ ना मैं बोलता हूँ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखवाया शायद मैंने तो आप हम कुछ लोग इसको पीवीआईएफ भी लिखते हैं लिख सकते हो पीवीएफ भी लिख सकते हो पर पीवीएफ शॉर्टकट है यार हम इतना लंबा लिखेंगे क्या आंसर आ चुका है बच्चों का विनय का है बृंदल का है विनय बंदु का भी है नाइन सिक्स जीरो सेवन थ्री वाव सभी का आंसर आया नाइन सिक्स जीरो सेवन थ्री डिवाइड वाले से कि फैक्टर वाले से साक्षी आपका भी सही है लगभग सभी का उतना ही आंसर है डिवाइड करके कर रहे हो कि फैक्टर से नाइन सिक्स जीरो सेवन थ्री ठीक है सेवन टू सेवन थ्री प्रशांत बिल्कुल सही आंसर अच्छा चाहे सर डिवाइड से ले लीजिए चाहे फैक्टर से ले लीजिए आंसर तो एक ही यार डिवाइड वाले से कैसे किया जरा बताना मुझे मैं भी तो सुनना चाहूंगा डिवाइड वाले से कैसे किया चालीस हजार हाँ टी यूज कर रहे हो बिल्कुल गुड चालीस हजार अच्छा वन पॉइंट वन जीरो यूजिंग जी टी ठीक है मैं मिलता हूं आपसे चालीस हजार डिवाइडेड बाय पॉइंट वन जीरो चालीस हजार डिवाईड हाँ सही तो है अंसर आ रहा, रुपीस तो। पर मैं इस पे जा ही नहीं रहा हूं मैं फैक्टर वाले अब अब इसको समझ लेना बस ये आखिरी बात है जो मुझे समझाना प्रेजेंटेबलिव मैं बात करूंगा फैक्टर वाले इन लोगों को फैक्टर का अच्छा खासा नॉलेज है कोई दिक्कत की बात नहीं है सुनना ध्यान से बेटे सुनना ध्यान से कैसे काम कर रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन मैं आपसे कह रहा हूं 40000 पहले साल आ रहा है यस 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल उसको मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट एट नाइन थ्री से फिर चालीस हजार भी सेकेंड ईयर भी आएगा तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे सेकेंड ईयर के फैक्टर से पॉइंट सेवन नाइन सेवन से तो फिर चालीस हजार थर्ड ईयर भी आएगा यस और उसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड ईयर के फैक्टर से पॉइंट सेवन वन टू से ठीक है अब क्योंकि बात ऐसी है कि ये सब की सब चालीस हजार चालीस हजार चालीस हजार ये सब की सब चालीस हजार चालीस हजार चालीस हजार कॉमन है तो आपके मन में जरूर ये बात आ गई होगी कि सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि चालीस हजार एक ही बार लिख दे हम चालीस हजार एक ही बार लिख लेते हैं ठीक है चालीस हजार एक बार लिखकर इन टू इन फैक्टर्स को इसको इसको और इसको जोड़कर लिख देते हैं यही तो होता है यार उसी को तो आप प्रेजेंट वैल्यू यानी फैक्टर बोलते हैं बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों मैं इनको ऐड कर रहा हूं क्यों जीट यूज कर रहा हूं मैं इन सबको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं इट मीन्स मैं कर रहा हूं पी वी एफ एएफ। एएफ का मतलब मिलाकर क्यूमिटी फैक्टर एनयूटी फैक्टर कितने परसेंट का लेना भाई बारह परसेंट का कितने साल का लेना है तीन साल तो फिर आ जाएगा चालीस हजार इन टू वन डिबाइ वन पॉइंट वन टू एक दो तीन तो ये आ गया टू पॉइंट जीरो तो चालीस हजार इंटू टू पॉइंट फोर जीरो टू आंसर आ गया रुपीस एट भाई अब मैं बस इतना चाह रहा हूँ ये सब पढ़ाने का उद्देश्य क्या है उद्देश्य ये है कि मैं आपको जब बोलू पी एफ, तो आपको समझ में आना चाहिए बात क्या है जब मैं बोलूं पी एफ, तो आपको बात समझ में आना चाहिए कि क्या है अगर ये शब्द यहाँ देख रहा है ना यहाँ पी लिखा है इसकी जगह अगर मैं लिखता हूं पी वी बारह परसेंट और कितने साल का तीसरे साल का तो दोनों बातों में अंतर है ये लिखूं तो मतलब अलग होता है और ये लिखूं तो मतलब अलग होता है. ये लिखूं तो इसका मतलब थर्ड ईयर का फैक्टर और ये लिखूं तो फैक्टर लिखूं मतलब मिलाकर लिख रहा हूं क्योंकि आपको तो इसका यूज करना ही पड़ेगा पूरा एस एफ एम में ये यूज होने वाला समझ में ये आना चाहिए कि यहां का मतलब क्या होता है और यहाँ का मतलब ये सब हम यूज नहीं करेंगे डिवाइड वाला बहुत कम यूज होने वाला है अल्टीमेटली आपको फैक्टर ही लिखना है तो प्लीज अगर आपने नहीं भी लिखा होगा तो अब इसको प्यार से लिख लो चालीस हजार इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन फैक्टर सर इनको ऐड कैसे किया जाता है एड कैसे किया जाता है वो आपको पता है डिवाइडेड बाय दो तीन और फिर जीटी प्रेस कर देना तो या जाए और सर जिनके पास जीटी नहीं है वो एम प्लस में डाल के कर सकते वो मैं आपको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि जीटी का यूज होने वाला प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज तो ऐसा कैलकुलेटर परचेस कर लेना जिसमें ठीक है जी गए हाँ सर थक तो गए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा पढ़ाऊंगा जब तक आप मेरे सामने नहीं आओगे ना तब तक नहीं पढ़ाऊंगा अभी क्या मैसेजेस में उतनी अच्छे से बात होती नहीं है हमारे बीच में और क्लासेस भी हम बहुत ज़्यादा हैक्टिक लेकर नहीं चलेंगे जब तक एक फ्लो में क्लास नहीं हो जाएगी ऐसा नहीं कि पूरे दो घंटे या ढाई घंटे ढाई घंटे का तो सवाल ही पाएगा इतना तो आप ना ज, मुझे झेल पाओगे ना मैं आपको पढ़ा पाऊंगा दो घंटे चलाएंगे ढंग से चलाएंगे और ऐसा भी नहीं है कि दो घंटे पढ़ना ही पढ़ना है एमयू बटन का यूज क्या है? है वैसे कल डिस्कस किया था छोटा सा पर एमयू बटन का भी यूज है और ढंग का यूज है मुझे टाइम देना मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी जगह है उसमें से एक जगह कल मैंने बताया था कि कैसे यूज होता है एमयू बटन ठीक है वैजंती मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा कल मैं डिस्कस करूंगा इस मैटर आज वैसे भी हमारा साढ़े आठ सवा आठ बज गए और मैं बहुत ज्यादा आज भी क्लास ऐसा नहीं है कि मैं नौ बजे तक लूंगा मेरा टारगेट है कम से कम ये प्रेजेंट वैल्यू खत्म हो जाए uh, में उतनी बात नहीं होती जब जूम तो पूरी दो घंटे क्लास चलाएंगे हम आराम से बीच में ब्रेक भी लेते हुए चलेंगे पांच मिनट का ब्रेक भी ले लेते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कैलकुलेटर का मास्टर तो होना ही पड़ेगा यार क्या कर ले क्योंकि एक और वजह है ना यार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है टारगेट वो है हमारा तो अगर जो चीज़ अब मैं आपको एक 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 बात बता रहा हूँ चलो अब जब पूछ लिया है एक हल्की रफली चीज बता रहा हूँ मैंने आपसे कल पूछा था पूछा था यार भूल जाओ इसको इसको अभी एक मिनट के लिए भूल जाना मुझे आंसर देना सभी से उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट है पच्चीस सौ कोई प्रोडक्ट है कैलकुलेटर पकड़ दो कैलकुलेटर का कॉस्ट है यार पच्चीस सौ रुपया में मैंने खरीदा है और मैं उसको बेचना चाहता हूँ मेरा काम है ट्रेडिंग वाला कैलकुलेटर खरीद कर बेचता हूँ पच्चीस सौ का कैलकुलेटर मान लो पच्चीस और सर कितने रुपए प्रॉफिट पे प्रॉफिट प्रॉफिट बेचता हूं। और कितना है तो प्रॉफिट है ट्वेंटी परसेंट ऑफ किसका सेल्स का सेलिंग प्राइस का बीस परसेंट प्रॉफिट कमाता हूँ कॉस्ट कितना है पच्चीस सौ रुपए क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि सेलिंग प्राइस क्या आएगा ऐसा खूब करते थे हम लोग सीए फाउंडेशन में सीए फाउंडेशन में यही तो क्वेश्चन आते थे कोई है तीन हजार एक सौ पच्चीस तीन हजार एक सौ पच्चीस किशन निकाल कैसे लेते हो ये पढ़ा है यार आप ऐसा भी पढ़ते वन फिफ्थ ऑफ सेल्स इज इक्वल टू वन फोर्थ ऑफ कॉस्ट और जो वन फोर्थ आया वैसा भी कर लो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई जिन लोगों को समझना है मैं आपको बस कैलकुलेटर बता रहा हूँ एमयू से हाँ बिल्कुल निश्चित एमयू से कर सकते मैं एमयू से ही करवा रहा हूं अगर मैं कहता हूँ एमयू से ऐसे हो सकता है पच्चीस सौ एमयू ट्वेंटी परसेंट करोगे तीन हजार एक सौ जाएगा मैं तो बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं कर सकता आपके साथ पर एमयू का इसके अलावा भी बहुत जगह यूज है तो वो सर एमयू का मतलब क्या होता है मीनिंग क्या होता है वो सब बेकार की बातें वो आराम से पढ़ लेंगे अभी हम इस पर नहीं जा रहा अभी हमारा यही काम चल ठीक है चलो 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 अब आगे एक छोटा सा टॉपिक और है छोटी सी चीज है आ, अच्छा एम यू बटन नहीं है तो क्या काम चल सकता है चल सकता है हमारे पास हम दूसरी टेक्निक से काम मैं आपको वेजन थी दूसरे टेक्निक से ठीक है तो भी चल जाए पर डी होना जरूरी है डी होगा तभी काम होगा चलो, चलो 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 आगे चले यस सर आखिरी काम कर रहा है आखिरी काम आखिरी काम सर बेस्ट कैलकुलेटर क्या होगा आप प्लीज बता सकते होगी कैसी बात करते हो यार चलो ठीक है ना मैं आपको बताता हूँ अभी अभी टारगेट से भटक रहे हम लोग हाँ जी टारगेट से भटक रहे हैं हम वापस आते हैं और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो वाला काम करते हैं और फिर देखेंगे क्लास हम और कितने टाइम तक चला सकते मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं बस एक छोटा सा टॉपिक है वो डिस्कस कर क्या हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना आ गया है yes. यस क्या हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना आ गया यस yes. थोड़ा बहुत आ गया मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी आप एक्सपर्ट हो गया वो एक्सपर्ट में करूंगा तैयार हो और कुछ होमवर्क भी दूंगा अब करके आना वो होमवर्क पहले एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं एग्जाम्पल लिख नहीं रहा हूं आप ही से पूछ रहा हूं आप मुझे जवाब देना मान लो यार एक लाख रुपए मान लो एक लाख रुपए रेट है मान लो बारह परसेंट पर ना तो बताओ दो साल बाद का फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा सर क्यों अभी तो बता भाई बता दो एक लाख बारह परसेंट की जगह रेट चेंज कर रहा हूं पंद्रह परसेंट एक लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू है पंद्रह परसेंट पर एनम के हिसाब से तो दो साल बाद बता सकते हो फ्यूचर वैल्यू क्या आएगा जल्दी तो से आंसर चाहिए यार सब लोग तो एक लाख प्लस पंद्रह परसेंट प्लस पंद्रह परसेंट आंसर आ गया वन थ्री टू टू फाइव जीरो बस मुझे अब थोड़ा सा साथ चाहिए आप लोगों का देखोगे एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर फोर इतना है कॉपी में ये काम आने वाला एक एग्जाम्पल सर प्रेजेंट वैल्यू है एक लाख ठीक है और फ्यूचर वैल्यू है एट ऑफ टू वन थ्री टू टू फाइव जीरो थैंक यू शिवांगी मांगी वन थ्री फाइव पंद्रह परसेंट दिख तो नहीं रहा है ना आपको बताओ रेट क्या पंद्रह परसेंट जवाब मत दे रहा क्योंकि मैं जानता हूं अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आप भी जानते हो पंद्रह परसेंट मेरा मैं क्या कहना चाहता हूँ सुना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूं कि यार एक लाख रुपए को आज हम इन्वेस्ट करते हैं तो दो साल बाद मुझे मिलेगा एक लाख बत्तीस हजार दो सौ पचास हिंदी अच्छी होगी मुझे उम्मीद है टू दो साल बाद इसका मतलब यार हर साल कमा रहे हो आप हर साल कितना परसेंटेज कमा बस ये मुझे माना और आंसर आप भी जानते हो आंसर कितना आएगा पंद्रह परसेंट सवाल ये है कि इसको प्रेजेंट कैसे करें दिखाएंगे कैसे लिख लो मेरे साथ साथ ये लिखो अगला क्वेश्चन क्योंकि अभी रेट पता है तो मैं आप जवाब भी दोगे तो क्या दोगे फिफ्टीन परसेंट अभी इसको लिख लेते अगला मैं आपसे पूछूं कैसे लिखेंगे सर ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमको पता है वो पता है सर कि वैल्यू या फिर ऐसे कर प्रेजेंट वैल्यू अन पावर इक्वल टू तो फ्यूचर वैल्यू है ना यस yes, सर सर प्रेजेंट वैल्यू पता है हमको एक लाख वन प्लस रेट ही तो नहीं मालूम पर ये तो मालूम है कि दो साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है और फ्यूचर वैल्यू है एक लाख इस हजार तो पचास एग्री मैथ्स कैसा है आप लोगों का ठीक है ठीक है सर अभी यार ये ऐसे डिवाइड हो जाता है ना हाँ सर दस आर पावर एक लाख सर आगे क्या करेंगे फाइव जी के बात क्या करना होता है सर यह है स्क्वायर सर क्या लगाना होता है स्क्वायर रूट या फिर इससे भी सिंपल तरीका है वन पॉइंट फाइव जी पावर कर देंगे वन बाय टू एक ही बात होती है। ये बड़ा यूज होने वाला है बच्चा एक ही बात होती हाँ रूट भी लगा सकते हो और पावर वन बाय टू भी कर सकते हो दोनों का मतलब एक ही है कि स्क्वायर रूट का तो अगर मैं करूँ वन पॉइंट थ्री टू टू फाइव जीरो तो मैं स्क्वायर रूट करूँ आंसर आ गया वन प्लस आर इजी पॉइंट वन फाइव आर ये माइनस वन हो जाएगा वन पॉइंट वन फाइव हो जाएगा तो फाइनली आंसर आ जाएगा जीरो परसेंटेज में दिखाना है तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको छोड़ दूंगा ऐसे। मैं क्लास ओवर करने से पहले आपसे जान ले लूंगा आपकी मैं समझाने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पावर के साथ छेड़छाड़ करूंगा मैं चार लिख दूंगा मैं पांच लिख दूंगा मैं आठ लिख दूंगा सॉल्व आपको करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा कोई भी मोबाइल यूज नहीं करेगा, ठीक है सर अब तैयार हो आप लोग क्योंकि रेट आपको पता था तो बताने वाली बात थी अब तैयार हो अब रेट सिर्फ मुझे पता है ठीक है अभी रेट सिर्फ मुझे पता है हो जाए एग्जाम्पल नंबर फाइव अब आपका नंबर चलो जी प्रेजेंट वैल्यू एक लाख हजार फ्यूचर वैल्यू फोर्थ ईयर का मतलब समझ ही फोर्थ ईयर का मतलब होता है फोर्थ ईयर के एंड में वो बहुत सारी कहानी लिखने में टाइम क्यों कर सिर्फ टू एट वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और आप मुझे बताने जा रहे हो किस रेट पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है हर साल आंसर एक पचास लगा के ट्वीट मैं भी देखना चाहता हूँ कितने बच्चे जवाब दे सकते हो तो जाए गलत गलत आंसर आने पर तनिस्क का आंसर है सेवनटीन परसेंट गलत आंसर आने पर सौ रुपए प्रशांत का भी सेवनटीन परसेंट अंश का भी सेवनटीन परसेंट यार मतलब तो अच्छे विनय का भी सेवनटीन परसेंट का भी परसेंट वाओ सभी का वैजंती का भी सेवनटीन परसेंट मतलब सभी बच्चे यार एक्सपर्ट सिक्सटीन पॉइंट नाइन नाइन सर तो सेवनटीन ले सकते हो ऐसा कुछ नहीं रोहन हाँ जी साक्षी सिक्सटीन पॉइंट नाइन नाइन ठीक है, है यार राउंडेड ऑफ कर सकते हो सुबेंदु इसको सेवनटीन ले सकते वाव सेवनटीन सही है सही है सही है सभी का सही है अब देखो ना अब जब सेवनटीन दिया तो मैं इधर खेलूंगा ठीक है ठीक है ना सर हम तैयार है इसको सॉल्व कर ले क्या सॉल्व कर लेते भाई एक लाख पचास पावर फोर तो ये आ गया टू एट वन जीरो एट थ्री ठीक है सर तो वन प्लस आर इज इक्वल टू एट वन जीरो एट थ्री डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड अब 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 लिखूं कैसे जो भी डिवाइड होगा स्क्वायर रूट इधर कितना लिखूं टू या फोर तो लिखते हैं ना यार कुछ फोर कि टू लिखूं लिखना तो पड़ेगा यार आईसीएआई सिर्फ 17% परसेंट बोलकर नंबर नहीं देगा प्रेजेंटेशन तो आपको दिखाना पड़ेगा तो दिखाओगे क्या क्वेश्चन ये यहाँ फोर लिखा जाए या तो यहाँ टू लिखा जाए टू पक्का मजा आ गया टू या फोर अच्छा थ्री होता तो यहां क्या लिखते तो चलो बहुत सारे बच्चों का अलग अलग राय है किसी का कहना है टू लिखो किसी का लेना कहना फोर लिखो या तो इसको ऐसे कर सकते टू एट वन जीरो एट थ्री डिवाइडेड बाय वन लैफी पावर थ्री थ्री लिखते हैं बिल्कुल सही हैं बोल रहा। तो आप भी सही है, होता पर है तो कितना लिखू फोर है ना एग्री हो सब लोग तो मजा नहीं आ रहा ये पावर वाला ठीक होता तो वन बाय थ्री लिखते फोर होता तो वन बाय फोर लिखते ठीक है चले आगे किसी को शक होगा ना तो फिर वो देख लेना भाई उतना मैथ्स मेरा स्ट्रांग नहीं है मुझे उतना मैथ्स नहीं आता मेरा मैथ्स में बहुत ज्यादा नंबर तो है नहीं है वैसे चलो जी आगे चले आगे चले आगे चले वैसे आखिरी काम है आखिरी एग्जाम्पल है बस सुनना है मेरी बात आखिरी एग्जाम्पल है सोच समझ के जवाब देना लास्ट एग्जाम्पल है जो जवाब देगा पक्का चलो पहले एग्जाम्पल तो लिखो सर आप देख लिया ना ये नोट आंसर आ कितना आ रहा आंसर r 17% सभी बच्चों ने कर लिया था बस क्वेश्चन ये था कि यहाँ 4 लिखा जाए कि 2 लिखा जाए वो आप देख ले 4 ही लिखा जाएगा 100 लास्ट एग्जाम्पल अभी तक बहुत बढ़ चढ़ के जवाब दिया है अब ये आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं सर क्लास तो पूरे 9:00 बजे तक मिलेगा ना अभी थोड़ा सा फ्लो बनेगा क्लास आप सामने हो गए आप मुझसे बोलोगे मैं आपसे बोलूंगा वो अलग मजा आएगा फील अलग है आपको अभी लग नहीं रहा होगा कि आप सी ए फाइनल पढ़े आपको आखिरी तक नहीं लगेगा आप चिंता मत करो मैं बहुत ईजी तरीके से समझाने की हर चीज का चाहे फॉरेक्स चैप्टर हो बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है भाई एग्जाम्पल नंबर है से लास्ट एग्जाम्पल रहेगा इसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे कोशिश uh, करेंगे धीरे-धीरे मतलब एक दो तीन क्लास तक ऐसा जाएगा उसके बाद हमारी प्रॉपर क्लास होगी 7 टू नाइन जब हमारा चैप्टर स्टार्ट प्रेजेंट वैल्यू चैलेंज वाला है चैलेंज वाला क्वेश्चन देखना चाहता हूं कौन-कौन से बच्चे कर सके सर प्रेजेंट वैल्यू कितना लिख रहा है प्रेजेंट वैल्यू लिख 1 लाख पच्चीस हजार फ्यूचर वैल्यू कब कब का है फिफ्थ ईयर एंड का ठीक मुझे क्या है रेट बताना है आपको कुछ बच्चे तो रेट निकाल भी लिए हो अभी तक रुक जाओ थोड़ा सा वेट करो आ, अच्छा सा रेट ले लिया सर लिया टू थ्री जीरो टू थ्री जीरो थ्री जीरो क्या लगता है और अच्छी बात है कि आंसर सिर्फ मुझे मालूम है और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि कोई तो निकालेगा निष्क का आंसर है थर्टीन पर एक आंसर आ चुका है का थर्टीन परसेंटी थर्टीन परसेंट निशिता थर्टीन परसेंट सारे सही है मानना पड़ेगा यार मैं तो सोच रहा था यार बच्चों को बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ाना है और सब समझदार बच्चे हैं सब रैंक होल्डर बैठे मेरे सामने सब सही है। थर्टीन थर्टीन चलो मैं भी निकाल लू पता नहीं आपने कैसे निकाला है ट्रायल एरर तो नहीं किया ना कि चलो दस से ट्रायल मारते फिर ग्यारह से फिर बारह से फिर तेरह से ऐसा तो नहीं किया होगा मुझे उम्मीद है आपसे एक लाख पचपल आर फाइव फो एक अभी क्या करना है वन प्लस आर पावर फोर वन प्लस आर फाइव फोर डिवाइडेड बाय लग पच्चीस सर तो सर आर ए सी ए सी टू थ्री फोर डिड एक लाख पॉइंट फोर फोर थ्री ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं और यहाँ हट आया तो यहाँ क्या गया पावर फाई फाई। अच्छा बच्चों का कहना है सर हम डर्टी पावर यूज कर रहे इसे बोला जाता है डर्टी पावर फाइनल में फाइनल में जो यूज होगा ना इसको बोलता है डर्टी पावर ठीक है बिल्कुल सही है सुनो आईसीएआई क्या करता पहले सुन लो आपका म, वो खोलकर देखे कि मॉड्यूल जो आया नया स्टडी मैट नहीं खोला सर इतना कहाँ हमारे पास टाइम कोई बात मैं कह रहा हूँ कि आईसीएआई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता है ये लिख लिया आप भी ऐसे लिखोगे और उसके बाद वन प्लस आर इज इक्वल टू वन पॉइंट वन थ्री आईसीएआई ये नहीं बताता आपसे कि ये वन पॉइंट से आया ये तो आपको निकालना पड़ेगा माइनस वन तो सर जीरो पॉइंट वन थ्री या फिर कितना बस इंस्टीट्यूट कभी भी आपसे ये नहीं बताएगा ये आया कहां से? ये तो आपको निकालना पड़े और ये जो पावर दिख रहा है ना ये पावर ये पावर को हम क्या बोलते हैं थर्टी पावर आओ. मतलब सर अगर टू है फोर है तो वो हो जाता है पर इस टाइप का पावर है उसके लिए हमको लॉक का ही यूज कर लॉक टेबल आएगा लॉक टेबल भी आएगा धीरे से आएगा पर वो लॉक को भी हम कैलकुलेटर से ही सॉल्व करें अब कैलकुलेटर में एक जुगाड़ लगाया जाए अब कैलकुलेटर में कैसे जुगाड़ लाए बोले कुछ स्टेप्स से जो हमको फॉलो करना है और सुनो करना ही पड़ेगा हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि बच्चे सोचेंगे कि नहीं कि यार सर कोई दूसरा अल्टरनेटिव कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है तो कौन सा पावर बोला जाता है डर्टी पावर याद रखना सब सी फाइनल वाले बच्चे जानते हैं तो आप ये मत बोलना कि यार डर्टी पावर क्या होता है हमको नहीं मालूम सबको पता है करना क्या होता है बताया था आपने तो सबसे पहला काम होगा कि हम जो भी दिया है कितना दिया है वन पॉइंट एट फोर फोर थ्री इसको क्या करेंगे सर इसको करेंगे स्क्वायर रूट कितने बार बारह बार कुछ बच्चे तेरह बार करते वो भी कोई गलत नहीं है वैसा भी कर सकते ये फाउंडेशन में भी पड़ा हुआ है आपका पास बारह बार हाँ फर्स्ट अच्छा फर्स्ट टाइम सुन रहे हो कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको करवा दूंगा पर इसके ये ये लाने की कोशिश करे इसको सॉल्व करने की कोशिश करने की कोशिश कर हैं तो इसको सॉल्व आप डर्टी पावर ना भी बोलो क्योंकि बुक में कोई कॉपी में हमको लिखना नहीं पड़ेगा कि हम डर्टी पावर लगा रहे पर डर्टी पावर शब्द आएगा ना तो आपको कोई साइड वाला भी बोलेगा कि डर्टी पावर यूज कर लेना तो आपको पता लगना चाहिए कि यार ये स्टेप्स हमको फॉलो कर ठीक है तो बारह बार इसको स्क्वायर रूट करना है इट मीन्स कैसे करना 1.8 1.84243 स्क्वायर रूट कितने बार 12 बार एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बार उसके बाद जो भी आंसर आएगा क्या करोगे माइनस वन माइनस वन उसके बाद जो भी आंसर आएगा क्या करोगे इनटू पावर इंटू वन बाई फाइव फिर जो भी आंसर आएगा वापस क्या करोगे प्लस वन प्लस वन फिर जो भी आंसर आएगा उसको क्या करोगे इंटू इक्वल टू वापस कितने बार करोगे बारह बार एक दो चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वन पॉइंट सर, हाँ पूछो सर बहुत सारे डाउट्स सा आ गए आएंगे इसको कहीं कॉपी में नोट करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है सर पहला ये ये बारह क्यों आया पहली बात चाहे ये कुछ पावर कुछ भी क्यों ना हो चाहे ये फिगर कुछ भी क्यों ना हो हमेशा हमको ट्वेल्व टाइम्स ही करना है माइनस ना है, बस चेंज कहाँ होगा सर बस इतना बताओ दो होगा लिखते वन बाई एट अगर पावर होता टू बाई थ्री तो यहां इंटू करते टू बाई थ्री सर ये बारह पर आया क्या लॉजिक क्या है मैं लॉजिक नहीं समझाना चाहता मैं लॉक का यूज किया हूं मैं सीधी सी बात बता रहा हूं कैलकुलेटर का इस तरह से जुगाड़ किया हाँ लेकिन एक बात है आंसर कभी गलत नहीं आए। इस, इसका नहीं इसका लॉजिक दिया जा सकता जो कह रहे हैं कि सर लॉजिक बता दो कि 12 क्यों आया माइनस वन क्यों हो रहा है या प्लस क्यों ना क्यों हो रहा है ये या आपको याद रखना पड़ेगा या तो फिर इसका दूसरा भी टेक्निक है ये तेरह परसेंट निकालने का दूसरा भी टेक्निक है हिट एंड ट्रायल मेथड पर अभी मैं उस पर नहीं आ रहा दूसरा ये याद नहीं करना चाहता मत करो मेरे पास दूसरा है और दूसरा लॉजिक के साथ तो अभी इस मैटर पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना और पहले ही पहली पहली पेज में नोट डाउन कर लेना क्योंकि इसका यूज मैं बार बार परसेंट कैसे आया दूसरा भी तरीका लॉजिक के साथ वो भी मैं आपको समझा ठीक है ठीक है सर अब मैं बहुत ज्यादा आपके साथ बात नहीं कर सकता अभी मैं क्लास ओवर कर रहा हूं